दोस्तों, ब्रह्मचर्य के दूसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि ब्रह्मचारी लड़के और स्त्रियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। साधारण स्त्री और कृष्ण भक्त स्त्रियों में आकाश पाताल का अंतर होता है। जो कृष्ण भक्त स्त्री है वह कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाती है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि महिलाओं से दूर रहना चाहिए, स्त्री को देवी स्वरूप मानना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि महिलाओं से दूर रहकर किंतु सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उन पर नीची नजर से देखकर चल दिए, ऐसा कभी भी ब्रह्मचारी नहीं करता है। इस बात पर ध्यान दीजिए, यदि वह कृष्ण भक्त है तो आपके सम्मान को समझेंगी और नहीं तो वह मजाक बनाएंगे। लेकिन आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है और ज्यादा देर तक स्त्रियों के सामने खड़े ना रहें, इससे वासना का प्रभाव आ सकता है। और जो ब्रह्मचर्य नियम का पालन कर रहे हैं वह दिन में बिल्कुल भी ना सोए। ब्रह्मचर्य नियम का पालन करने से चेहरे पर अलग सी चमक आती है, ये बात सत्य है, लेकिन उसके लिए सूर्य उदय से पहले उठना होगा। चेहरे पर चमक आने का अर्थ ये नहीं है कि आप गोरे हो जाओगे, इसका अर्थ ये है कि तीन सुंदर व्यक्ति के बीच अगर कोई ब्रह्मचारी आकर खड़ा हो जाए तो ब्रह्मचारी अलग दिखेगा। ऐसी होती है चमक। और ब्रह्मचारी को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए। सिनेमा, गेम, राजनीति, खेल कूद, फैशन और कोई अभद्र संगीत सुनना नहीं चाहिए। और भी बातें हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। अपशकुन से दूर रहें। ब्रह्मचारी को किसी भी प्रकार के अपशकुन से दूर रहना चाहिए। उन्हें नकारात्मकता से दूर रहकर प्रेरित और सकारात्मक विचार को अपनाना चाहिए। अधर्म से बचें। धर्म और नैतिकता को बनाए रखना ब्रह्मचारी के लिए महत्वपूर्ण होता है। वे नेतृत्व, ईमानदारी और न्याय की शिक्षा को महत्व देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ब्रह्मचारी को अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम के माध्यम से वे अपने स्वास्थ्य को संतुलित रख सकते हैं। आत्मा की संवेदनशीलता। ब्रह्मचारी को अपनी आत्मा के गहरे साथी बनाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और मनन के माध्यम से वे अपनी आत्मा के भीतर के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। समर्थता की प्राप्ति। ब्रह्मचारी को अपने जीवन में नैतिकता, संयम और सामर्थ्य का विकास करना चाहिए। वे नए ज्ञान का अध्ययन करके और आत्म परीक्षण के माध्यम से अपने आप को समर्थ बना सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचारी को अपने जीवन में साधना, संयम और सत्य के मार्ग पर चलते हुए सकारात्मक और उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। इससे वे अपने आप को और भी सशक्त बना सकते हैं और समाज में उत्तम सेवा प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्मचारी के लिए एक मंत्र है, ब्रह्मचर्यम् ब्रह्म प्रतिष्ठा विद्या ब्रह्म निर्मलम् ब्रह्मचर्येन सर्वं तुष्टं देवी न संशयः। इस मंत्र में ब्रह्मचर्य के महत्व को व्यक्त किया गया है, जो ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म का आधार है। इसके माध्यम से ब्रह्मचारी अपने जीवन को शुद्ध, सकारात्मक और दिव्य बनाते हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना कोई खेल नहीं है। बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मुझे विश्वास है ये सब बातें आपको पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए विचारों के साथ। धन्यवाद।